World Villas, my true epitome of luxury. You need to be here. सच में कुछ बदल रहा है नमस्कार बिजनेस के सितारे में आपका स्वागत है आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि तो आज हम नेचर के इर्द-गिर्द हैं बहुत ही खूबसूरत मौसम है और यहाँ पे एक ऐसा एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट आ रहा है जो मेरे ख्याल से अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर्स ही बना सकते थे क्योंकि तो इसके लिए विजन चाहिए और आज हमारे साथ उनके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक छाजा साहब है छाझा साहब बहुत बहुत स्वागत है आर्यन स्ट्रक्चर हम सभी जानते हैं कि बहुत जबरदस्त आप दो डिकेट से काम कर ही रहे हैं करीब दस हजार से ज्यादा घर हर सेक्शन के लिए बना है और अब यहाँ पर करजत में चौक पे एक प्राइम लोकेशन पे बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड विलाज है एंड चेरी ऑन टॉप कहना चाहिए कि, कि क्लब टेन है उसमें एंड ऑफकोर्स इतनी फैसिलिटीज है कि मैं आपके टेबल कॉफी टेबल बुक देख के थक गया देखते देखते एमरिटीज एंड ही नहीं हो रही थी तो बहुत बहुत मुबारक सबसे पहली बात तो कि इतना एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट का छाजे साहब विजन शुरू से रहा है अरियन सुपर सक्सेस में आपका उससे शुरुआत आप करते पहले वेल नवी मुंबई एंड आर्यन सुपर सक्सेस लिमिटेड हमने हमेशा ही नए नए इलाकों में बाजार बनाए हैं एंड इंडस्ट्री और सेक्टर हमेशा यही देखता और कहता है कि आ, कि वीरानी जगह पे नई लोकेशंस पर जहाँ कहीं कुछ डिफाइंड नहीं है वहां पे जाके एक आ, रियल एस्टेट का एक फॉर्मेट तैयार करके स्टार्टअप करते हैं सो वी सिंस 1999 आ, के बाद में से देखते हैं तो हमने ऐसे आ, मार्की प्रोजेक्ट्स हमेशा दिए और जिसने किसी एरिया की उसकी खुद की वैल्यूएशन को चेंज किया यानी मैं बात कर रहा हूं कि हमने कोई काम आ, दस बीस पचास एकड़ पे किया होगा सौ एकड़ पे किया होगा लेकिन आ, 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 पूरे आ, दो दो पांच पांच हजार एकड़ की अगल बगल की जमीनों का और अगल बगल के बाजार का वातावरण चेंज किया पीपल डन घोट जिसको जिसमें ऑलमोस्ट पांच हजार घर हाउसिंग में तीस लाख में वन बेडरूम और पैंतालीस लाख में टू बेडरूम डिलीवर किए हैं एंड uh, मार्किंग प्रोजेक्ट्स में भी ऑलवेज अमी तो जब भी अराउंड अराउंड दस से पंद्रह महीने पहले पंद्रह महीने पहले जब uh, पहली बार इस जमीन को देखा और जब इसके इर्द गिर्द में यूं नजर गर्दन घुमा के देखी तो 360 डिग्री में जब पाया कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट संपूर्ण ब्रह्मांड की जैसा संपूर्ण गोले की जैसा सब जगह पे आ, पहाड़ी है सब जगह पर आ, डैम्स है सब जगह पे ग्रीन्स ग्रीन्स एंड ग्रीन्स है बादल है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जब उस तरफ सांस लिया तो लगा कि भाई यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स वाकई स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा है और आ, तब ख्याल आया कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज बनाई जाए जो आज के तान पे अमूमन कहने के लिए लो हैंगिंग फ्रीड सेकेंड होम का है और वाकई यस हम इनवाइट करते हैं और सभी सेकेंड होम्स के लिए क्योंकि कुदरत के नजदीक रहने का इससे अच्छा मौका इतना कन्वीनियंट मौका नहीं मिल सकता क्योंकि ये मात्र मात्र 45 मिनट की दूरी में वाशी से इस तरफ है और 60 मिनट की दूरी में अटल सेतु के मार्फत नरिमन पॉइंट से इस तरफ है और आ, अटल सेतु के कारण इस एरिया को पहुंचना बहुत ही आसान रहा है ये एक नया बाजार खुल रहा है नया आ, एरिया खुल रहा है और आ, तब यहाँ पे बहुत सारी एफ है ऑलमोस्ट एक करोड़ दस लाख स्क्वायर फीट इस एफ है इस एक प्रोजेक्ट के ऊपर बट हमने इसको सिर्फ और सिर्फ बाविस लाख स्क्वायर फीट में कंप्लीट किया लो राइस जी प्लस वन जी प्लस टू जी प्लस थ्री तो जी प्लस वन में बंगलोज है जी प्लस टू में क्लब टेन जिमखाना है और इंडियन होटल्स के साथ 225 रूम की फाइव स्टार होटल इंडियन होटल्स यानी ताज ग्रुप उनके साथ 225 रूम की होटल लेके आ रहे हैं तो ये पूरा समावेश जो सभी प्रीमियम सेगमेंट में है वो आने वाले टाइम में जब हम देखते हैं कि हिरानदानी फॉर्चून सिटी से मात्र मात्र पांच किलोमीटर की दूरी पे है मध्यांतर में धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल है चौक रेलवे स्टेशन है स्कूल्स है इन सब चीज को देखते हुए आज जहां पर यहाँ पे लगता है कि इस पूरे क्षेत्र में आने वाले समय में लोग विलास में रहने के लिए उत्सुक होंगे और वो एक पहला चित्र 50 सालों के बंबई के इतिहास में किसी बिल्डर ने ये चित्र नहीं लेके आए सभी ने हमेशा बिल्डिंगे और के साथ कुछ विलास दिए किसी ने खाली बिल्डिंग्स बनाई तो बड़ी बड़ी टाउनशिप में भी हम उसी तरह के से देखते हैं उसके एकदम विपरीत दिशा में जाते हुए एफ को महत्वता नहीं देते हुए वेरी लो डेंसिटी के ऊपर वर्ल्ड विलास क्लब टेन जिमखाना पूरा पूरा उसका एक रूप बनाया और क्रिस्टोफर बेनिंगर सीसीबीए के सीनियर आर्किटेक्ट है जिनको पद्म से और इस तरीके से नजारा गया है उन्होंने इसका मास्टर प्लानिंग की और उस मास्टर प्लानिंग से आज जो ये चित्र नजर आया तो इस डिजाइन के कारण लोगों को बड़ी अट्रैक्शन है और हमारा मानना है कि आज जब शहर के अंदर पॉइंट ए से पॉइंट बी को जाने के लिए सिक्सटी मिनट्स का आ, ट्रेवल टाइम है उस जगह पे अगर सिक्सटी मिनट्स में ट्रेवल टाइम फ्रॉम चौक आ, वर्ल्ड विलास से लेके नरिमन पॉइंट पैंतालीस मिनट चौक वर्ल्ड विलास से लेके वाशी तक थर्टी मिनट चौक विल, वर्ल्ड विलास से लेके एयरपोर्ट तक 20 मिनट चौक से लेके तक और जब ये सारी चीजों को देखते हैं ये आने वाले टाइम में सब बहुत बहुत लोगों का फर्स्ट होम बनेगा और इसी, बा, इसी बात पे मैं साहब यही कहना चाह रहा था क्योंकि आपने सेकेंड होम जब पहले कहा जिस तरह के आपने इसको विजुलाइज किया है जिस तरह से प्लान किया है लोगों ने तो बहुत आ, लोगों ने आके ये जगह देखी होगी लेकिन आप जिस तरह से इसको ट्रांसफॉर्म करें जैसे आपने कहा कि कैटलिस्ट रहते हैं आपका एक मार्केट हो जाता है ये एक एक की जो आपने बात की एयर क्वालिटी इश्यू है आज हम जो शहरों में रह रहे हैं वो किस तरह रह रहे हैं हम सब जानते हैं वो यहाँ पे बहुत विपरीत यहाँ पे जो माहौल है तो ये सेकेंड होम नहीं तो फर्स्ट होम ही हो जाएगा और क्योंकि कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तो फर्स्ट होम कोर्स और इस तरह का चित्रण इससे पहले भी हुआ हुआ है बेंगलोर में लोगों ने देखा कि जब शहर के अंदर एक से डेढ़ किलो घंटा लगता था घर से ऑफिस जाने में तो लोगों ने 45 मिनट की दूरी पे बाहर जाके वापस बमलो और विलास में रहना शुरू किया दुबई जहां पे 300-300 फ्लोर की इमारतें 100-100 मंजिलों की इमारतें बनती है वहां पे भी लोग बड़े पैमाने पर पे विलास में रहते हैं और ये ट्रेंड आज से नहीं है ये दशकों से है पचास सात सालों से सत्तर सालों से है सैन डिएगो एल न्यूयॉर्क उडांग ऑसलो सभी मेजर सिटीज में डाउनटाउन uh, करके एक व्यवस्था होती है जहां पे uh, uh, जहां पे ऑफिसर्स और कमर्शियल और अपार्टमेंट्स uh, होते हैं और उसी में वापस काउंटी स्टाइल की लिविंग होती है जहां पे बंगलो लिविंग होती है और uh, तो ये बहुत ही uh, एक एक, एक इंसान का ह्यूमन का, का सबका एक्सेप्टेबल uh, और फर्स्ट प्रेफरेंस है मुंबई ये इसलिए नहीं देख सका क्योंकि मुंबई के पास जमीन का जो 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 पूरा कोना है वो उसको एक तरफ पूरा समंदर है एक तरफ अहमदाबाद की डायरेक्शन में इंडस्ट्रीज है नीचे की तरफ राइट हैंड साइड में जाते ही आ, ये इलाका जहां हम बैठे हैं और नीचे की तरफ जाते तो अलीबाग है तो अब लगता है कि इस आ, सारे कोस्टल रोड्स अटल सेतुज अलीबाग विरार कॉरिडोर ये सब होने के बाद में इस क्षेत्र में लोगों को आने के लिए साठ मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा एंड जो आपने एक की बात की बड़े ही संजोक की बात है लास्ट वीक में इंडियन एक्सप्रेस में लंग्स के स्पेशलिस्ट अरविंद डॉक्टर अरविंद कुमार जी का जो दिल्ली में है उनका एक आर्टिकल आया था कि डेज दे डोंट फाइंड पिंक लंग्स इन एनी बडी लिविंग इन द सिटीज इवन चार साल के बच्चे के पास भी, भी ग्रे स्केल्स मिलते हैं लंग्स में और स्मोकर्स के पास ब्लैक लंग्स मिलते हैं तो यानी पिंक लंग्स और स्वस्थ हवा जो है वो शहरों के एकदम सिटीज के अंदर नहीं है आपको एग्जाम्पल दू तो ये आपको मोबाइल पे भी आप चेक कर सकते हो जिस वक्त ए इस इलाके में वर्ल्ड बिलास पे एट होता है उस वक्त मुंबई सिटी के अंदर एक यू का है एंड uh, खारगर तलोजा के अंदर या कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया में थ्री ट्वेंटी फाइव का होता है यानी अस्सी से लेके तीन सौ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट चार गुना ज्यादा कंज़ेशन, डस्ट कार्बन वी आर इनहेलिंग एवरी डे एंड दिस रियली मेक्स ए डिफरेंस वेन आप ऐसे इलाके में रहो तो आपके इनहेलिंग और रेस्पिरेशन में अगर सब चीजें बहुत स्वस्थ रहेगी तो और uh, आपका खान पान अच्छा रहेगा

जिम जिमखाना एक सवा दो सौ ढाई सौ करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट है इसमें सेल्स करके कुछ नहीं है ये रईसों के लिए और आ, रिचर क्लास के लिए एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो मेंबरशिप के ऊपर है तो ओनली मेंबर्स के लिए आ, इसके अंदर आ, आने की इजाजत रहेगी आने वाले टाइम में और आ, जैसे बे क्लब है रिलायंस जियो में जैसे बॉम्बे जिमखाना है जैसे एम का जिमखाना है तो इस टाइप का इस लेवल का इस स्टैंडर्ड का आज नवी मुंबई के अंदर एक ऐसी व्यवस्था नहीं थी जहाँ पे कोई चार रईस लोग चार पैसे वाले लोग चार से पांच घंटा जाके कहीं पे बैठ सकते थे और अपने आप में एक एक एक, एक समय व्यतीत कर सकते थे तो वो ये चीज क्लब टेंट जिमखाना इसी के ऊपर है नाम भी इसलिए कि टेन डिनोमिनेट्स स्पोर्ट्स सचिन तेंदुलकर मेरोडाना जेसी इन सब ने दस की जर्सी पहनी है और जिमखाना एक फॉर्मेट है जहां पे लोगों का पहला विचार आता है कि जिमखाना मतलब स्पोर्ट्स सबसे बड़ा क्राइटेरिया है और उसके साथ साथ अटैच में जब क्लबिंग आती है तो इट्स लीजर क्लबिंग एंड स्पोर्ट्स का ऑलमोस्ट दो लाख स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया के ऊपर ये जिमखाना बन रहा है जिसमें कोई रूम्स नहीं है Uh, सारे रूम्स होटल में है और uh, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अंदाजे से एम के चार गुना बड़ा है तो एम सी ए फिफ्टी थाउजेंड स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया स्पोर्ट्स के ऊपर है तो ये मुंबई पूरे पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा जिमखाना होगा और uh, अभी भी इसके जो मेंबरशिप्स लोगों ने ली है वो बहुत ही सीनियर ऑफिसर्स रिलायंस इंडस्ट्री के कृष्ण राव जी ने एयू बैंक के ट्रिब्रवाल जी ने ली भी है मॉर्गन स्टैंडली के एमडी ने ली हुई है अंबुजा सीमेंट के सीईओ ने ली हुई है तो इस टाइप के साउथ बॉम्बे के वालकेश्वर से लेके बैंड्रा तक के लोगों ने यहाँ पे मेंबरशिप्स ली हुई है और मेरे बिल्डर भाइयों ने मुझे प्रोत्साहन देने के लिए ऑलमोस्ट सभी बिल्डर नवी मुंबई के ऑलमोस्ट ऑल ऑलमोस्ट ऑल जितने नामी गिरामी डेवलपर्स है मुझे बड़े गर्व के साथ क्या हर्ष होता है उनका नाम लेते हुए कि वो सारे के सारे हमारे क्लब टेन जिमखाना के एक मेंबर है और उनका ये था कि अशोक जी और अरियंत अगर कुछ इस टाइप का लेके आ रहे तो हमारा काम है उनको प्रोत्साहित करना और हम उनके साथ खड़े हैं और उन्होंने पूरी ताकत दिखाई कि फेटर्निटी क्लब टेन जिमखाना के साथ है बहुत ही जबरदस्त स्पिरिट है और आपने भी कसर नहीं छोड़ी है इसमें जिस तरह के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज दे रहे हैं आईपीएल क्रिकेट ग्राउंड ये सब कुछ आ रहा है चाहे बैडमिंटन हो टेनिस हो आओ मैं आपको एक राउंड अबाउट लेके चलता हूं तो थोड़ा सा आपको नजर आएगा कि किस ढंग से सब चीजें यहां पे स्पेस आउट की हुई है ये आज सेवेंटी सिक्स एकड़ का और उसके साथ थोड़ी चीजें और जमीने ऐड करेंगे आने वाले टाइम में बहुत ही नया एक प्रोत्साहित करने वाला चित्र बनेगा मैं चाहूंगा कि ये क्षेत्र डेवलप हो इसी तरीके से बने और आने वाला हर आदमी इस टाइप के जो विचार जो अरियंत लेके आया है कि भाई ये रईसों के लिए विला कम्युनिटी बननी चाहिए उस टाइप का करे क्योंकि अफोर्डेबल के लिए बहुत सारी जगहें हैं जो शहर के अंदर लोगों को चाहिए यहाँ से दूरियां हैं जो गाड़ी के बिना जा नहीं सकती है तो ये हकीकत में एक रईसों का एक बहुत ही अलग सा इलाका बनेगा मैं खुद मेरे रहने के लिए फुल टाइम रहने के लिए यहाँ पे मैं व्यवस्था कर रहा हूँ और ये सबके लिए एक फर्स्ट स्टेटमेंट होगा कि व्हेन 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 आई मायसेल्फ अशोक चार्जर वांट्स टू स्टे हियर दैट मींस आई बिलीव दैट इट इज अ प्रोडक्ट वेर वी शुड ऑल स्टे चलिए कम आई टेक यूर आर्ट शाहजर साहब जैसे कि मैं कह रहा था कि हम नेचर के बीच में ही हैं और आपने ऑफ कोर्स ये जो अपना ये ऑफिस भी जो बनाया है टेम्प्ररी ये भी कुछ कम नहीं है हम जो बात कर रहे हैं विजन की मैं बार बार बात कर रहा हूं के क्लब टेन की भी जो अगर हम और तो डिस्कस करें कि आपने उसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ी है बिग नेम्स यू आर एसोसिएटिंग के जिस तरह से प्लान किए जा रहे हैं स्पोर्ट्स की चीज है मेरे को पे सामने दिख रहा है एल साइज क्रिकेट ग्राउंड भी है इन सब के बारे में बता कि ये क्या खास खास so, uh, एक क्लब नाम के लिए जिम खाना नहीं ना ये ये यू हैव uh, पूरा एक आईपीएल साइज का क्रिकेट ग्राउंड है एथलीट ट्रैक्स है आउटडोर्स में एकेडमी में जो होता है बेसिकली ये ये क्लब नहीं है ये एकेडमी है तो एकेडमी में हमने उसमें आ, सारे आ, जितने रिक्वायर्ड है उतने एकेडमी वालों को जैसे सानिया मिर्जा का के साथ उनकी एकेडमी वो कोचेस प्रोवाइड करेंगे फॉर टेनिस के, के खेलने के लिए उस ढंग से सानिया नेवाल का की एकेडमी से बैडमिंटन के लिए गैरी क्रिस्टन के साथ आ, उनकी एकेडमी से उनके एसओपीज आएंगे उनके कोचेस आएंगे जो फुल टाइम यहाँ पर रहेंगे तो पार्ट टाइम नहीं सो so, uh, नहीं बेसिकली हम यहाँ पे स्पोर्ट्समैन तो नहीं बना रहे हैं uh, मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई सचिन तेंदुलकर बनेगा और बार बने तो हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात होगी बट जब हम कहते हैं कि, कि किसी इंसान को अगर कोई चीज बांध के रख सकती है एंड हु कैन गेट एंगेज तो वो सिर्फ और लंबे समय तक आ, आप एक रेस्टोरेंट में एक घंटा बिता सकते हो डेढ़ घंटा बिता सकते हो किसी लाउंज में दो घंटा बिता सकते हो पिक्चर के लिए अगर जाओगे तो दो से ढाई घंटा बिता बिता सकते हो एट ए टाइम बट उससे ज्यादा समय जब अगर आप कहो कि चार से छह घंटा क्या है जो आपको बांध के रख सकते हो इस पूरे विश्व में पूरे ब्रह्मांड में जब जाते हो तो ओनली स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स वो चीज है जो आपको इतने देर के लिए बांध के रख सकता है और स्पोर्ट्स अपने को तब अच्छा लगता है जब उसकी थोड़ी सी टेक्निक आती हो और नहीं तो यूं होता है कि यार दो बल्ले मारे यार जाती नहीं है छोड़ो जाके फ्रेश लाइन छोड़ा पीते बट जब आपको स्पोर्ट्स की टेक्निकलिटी आने लगेगी तो यू विल फॉल इन लव विद द गेम एंड जब आप उस गेम के साथ आ, पूरे ढंग से उसके साथ आ, उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हो तो आपको बार बार रहता है कि ये मेरा नियम रूप बने जैसे जॉगिंग करते हैं उसी ढंग से और फिर लोग उस स्पोर्ट्स को कंटिन्यूस खेलते हैं और उस खेल 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 के साथ आपके कोई ना कोई बहुत करीब तीन चार पाँच जनों छह जनों के साथ आपकी मित्रता हो जाती है वो कंटिन्यूस आप उनके साथ आते हो जाते हो जैसे मैं यहाँ से डेढ़ किलोमीटर दूर के ऊपर एक गोल्फ कोर्स है नाइन होल एस एकेडमी है तो चरणजीत सिंह जी की है तो उसमें हम यहाँ पे मैं हमेशा हर सैटरडे को गोल्फ खेलने आता हूँ और तो दिस इज हाउ इट इज के आप एक चार से घंटा एक स्पोर्ट्स में इधर बांध के रख सकता है आपको आपके स्वास्थ्य के लिए तो अलग बात है बट आपके मन के लिए खुशी के लिए हैप्पीनेस के लिए और आपके खुद के समय के लिए जिसलिए हम इस कहते हैं इंग्लिश में या हम हमारे लैंग्वेज में कहते हैं माई टाइम आ, माई सोन तो दैट इज व्हाट ऑल इट इज अबाउट क्लब टन जिम खाना सिर्फ इससे आज के uh, युग में जहाँ पे बहुत ही मॉडर्न है तो उस, उस, उसके उस इसके, उसके लिए हमने बाकी चित्रों का भी लीचर का इसमें समावेश किया हुआ है जैसे नाइट क्लब है और सब कुछ बहुत बड़ा है पत्ते खेलने का रूम ढाई हजार स्क्वायर फीट कारपेट है स्पा पांच स्क्वायर फीट है नाइट क्लब सात हजार स्क्वायर फीट है डे क्लब हम बना रहे हैं जिसमें आज के टाइम में जो चलन चला है बा, बाली में जो है डे क्लब जिसकी प्रेरणा से अब ऑल ओवर वर्ल्ड इवन दुबई तक तक में डे क्लब्स बन रहे हैं जहां पे यू हैव वाटर यू हैव क्लब विच आर ओनली वर्किंग ड्यूरिंग डे टाइम तो डे टाइम में डे क्लब है वैसा हम यहाँ पे एक एक करके ऊपर डे क्लब बना रहे हैं जो जिमखाना का हिस्सा है देन स्काईपुल लाउंज है जो सेंट रिजिस होटल में दुबई में है उसी ढंग से बाकी सब व्यवस्थाएं है हैं जिसके अंदर आपको प्योर वेज रेस्टोरेंट है साढ़े सात सौ लेवल का जिमखाना का जो ऐसा कर् जैसा बॉम्बे जिम खाना में आप बैठ के रेस्टोरेंट में बैठते तो लॉट ऑफ सेवन टू एट ऑफ हाई फाई फाइन डाइन कैफेज एंड एक्सेट्रा खाने पीने की सुपर व्यवस्था है जिसके लिए हम अच्छे से अच्छी ब्रांड के साथ एसोसिएट करेंगे वी विल ट्राई टू ब्रिंग द बेस्ट ऑफ इट All all of them, right from IHCL, right from from uh, sports people, uh, we find that it will really be a different world around. को एक नहीं है। क्योंकि uh, जो इसकी है आज के टाइम में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तीन साढ़े तीन लाख रुपया पर पर्सन की फैमिली में भी, भी चल रहा, रहा तो, है तो मेरा था कि भाई इस कर्म भूमि में नवी मुंबई में आज इतने साल हमने काम किया आ, हमारी पहचान बनी इस इस कर्म भूमि ने हमको कुछ दिया तो मैं ऐसा क्या बना के जाऊं ऐसा क्या बनाऊं जो यहाँ पे बरसों बरसों तक रह सके तो इसका आर्किटेक्चर फीचर एक्स्ट्रा है ब्रिटिश टाइम का विट्रूवी नरा का है तो ग्राउंड फ्लोर पे हाइट बीस फुट की है फर्स्ट फ्लोर पे हाइट थर्टी फुट फ्लोर की है तो दिस विल बी ए कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड और इसकी मेंबरशिप आने वाले टाइम में जैसे बेस्ट क्लब्स में और मेंबर्स क्लब्स बॉम्बे के जहाँ कहीं मेंबरशिप एक करोड़ रुपया आज है कहीं पे पचास लाख है कहीं पचहत्तर लाख है उस टाइप की उस मोमेंटम पे है और मेरा विश्वास है कि जिस दिन ये बन जाएगा उसके बाद में हम इसको वर्ल्ड के आ, अच्छी सिटीज के काफी क्लब्स के साथ एफिलियशन करेंगे यानी इसका मेंबर दुबई के किसी मेंबर क्लब में जा सकता है इसका मेंबर फ्रांस के किसी क्लब में जा सकता है इसका मेंबर बिना किसी चार्जेस के लंदन के किसी क्लब right. में जा सकता है दैट इज वट एफिलेशन जैसा मैं उमेद क्लब का जोधपुर का मेंबर हूँ तो आई कैन गो टू रेडियो क्लब इधर आई कैन गो टू यॉट क्लब ओवर हयर दैट इज वॉट द पावर ऑफ एफिलेशन इज दर एंड आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत ही एक अलग जीवन होगा और अरिहंत जो इस मोमेंटम पे हम हमारी तरफ से और जो सारी टीमें बन रही है सारे लोग काम जो कर रहे हैं बहुत ही अलग और मेहनत का काम है एंड uh, मुझे पूरा विश्वास है कि ब्रिंग अप एंड यूनिक प्रोडक्ट जो एक पार्लियामेंट जैसा विशाल विराट और जो हमारे नाम को आज भी रिलेट कर रहा है बिकॉज Uh, जो बिल्डिंगे होती है जो बनाते हैं कहने के लिए भले को उसको स्ट्रक्चर कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर जो वर्ड होता है अगर डेफिनेशन में जाएं तो सुपर स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ ब्रिजेस को यूनिवर्सिटीज uh, को जिमखाना को और इन चीजों को सुपर स्ट्रक्चर बोला जाता है तो जस्ट टू डिफाइन दैट यस वी आर अचीविंग वॉट अवर नेम इज एसोसिएटेड दो इस आ, समय को गुजारते गुजारते हमें 20-15 साल लगे 10-10 15 साल बाद में आज अरियन सुपर स्ट्रक्चर लिमिटेड रियल मायने में सुपर स्ट्रक्चर का कोई ना कोई काम कर रहा है, नाम खरे है। बिल्कुल बिल्कुल। रहे हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं ये सुपर प्रोजेक्ट ही है क्योंकि जैसे ये एंटर करेंगे तो जैसा आपने कहा क्लब टेन देखेगा

Uh, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है uh, पिछले एक महीने के जो इसके मीडिया uh, प्लान के बाद में मुझे पता है कि आज क्लब टन जिमखाना साउथ बॉम्बे में वालकेश्वर से लेके लोअर परेल तक सोसाइटीज का घरों का एक कॉमन uh, डिस्कशन uh, का सब्जेक्ट है और वी आर प्राउड दैट के दिस विल अगेन पोजीशन द दरियन ब्रांड टू एन कंप्लीटली डिफरेंट नेक्स्ट लेवल और वी टुडे वांट टू

पोजीशनिंग की भी जो आप बात कर रहे हैं जो आपने ब्रांड एम्बेसडर चुना है उससे भी काफी खलबली मच गई सनी लियोनी <laughs> हर जगह छा गई है रास्ते भर में होर्डिंग हैं, लॉन्च भी आपका बहुत जबरदस्त रहा ये थॉट प्रोसेस कैसे हुआ वेल देर इज टू बी समथिंग जहां कोई uh, कोई व्यूअर देखे तो उसको रिलेट कर सके और uh, उस स्टाइल को उस जीवन को उस uh, खूबसूरती को तो जब आया कि भाई सनी लियोनी रियली हैज ग्रेट हैवी शोल्डर्स शी कैन टेक द ब्रांड एंड द प्रोजेक्ट टू माइंड्स ऑफ द पीपल इन एन वेरी डिफरेंट वे वेरी स्ट्रांग वे एंड इट इज ऑलरेडी डन द जॉब सो आई वुड रियली थैंक एक्ट्रेस द वर्ल्ड क्लास मॉडल द मोस्ट व्यूड मॉडल ऑल अक्रॉस दर्ल्ड

मुश्किल से एक दिन रहती है कल की हेडलाइंस आज हमें बता नहीं है इतनी इतनी कंटेंट मार्केट में अवेलेबल है तो जब इतना कंटेंट अवेलेबल है और कंपनियां करोड़ों खर्च करती है एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने में फिर और वो सिर्फ सात दिन के लिए मेमोरी में रह सकता है तो हमारे लिए था कि एक नया दुनिया नई दुनिया नया प्रोडक्ट और बहुत रिस्क वाला प्रोडक्ट विलास जनरली इतने इजिली सेल नहीं होते हैं ये तो बात और है कि अरिहंत जब लेके आया है तो लोगों को विश्वास है और बहुत जोरदार रिस्पॉन्स दे रही है और दे चुकी है लास्ट एक महीने में बट इस चीज को बहुत ढंग से फ्लोट करने का जो काम था आई थिंक द ब्रांडर इज रियली डन वंडरफुल चौक जैसा आप बात कर रहे

प्रोडक्ट she, she, को बहुत अच्छा लॉन्च मिला है और uh, आने वाले टाइम में uh, मुझे एक uh, बड़ा फील होगा की हमने बहुत ही बड़ी शुरुआत की अच्छी शुरुआत है और आज यहाँ पे बी एमडब्ल्यू आके रुकती है ये पूरा इलाका लास्ट 40 सालों से रईसों का इलाका यहाँ पे सारी ज़मीनें ये, ये ये जो एरिया पूरा करजत का यहाँ से दो जो स्टार्टिंग से लेके तीन चार किलोमीटर तक है वो डायमंड मर्चेंट्स का है वो बड़े बड़े आ, अधिका पॉलिटिशियंस का है बड़े व्यापारियों का है बड़ा ही नामा गिराना इलाका इसलिए इसको लोग टेन बिलियनर स्ट्रीट भी बोलते हैं सो और, so, और, और हम जब से आए हम भी देख रहे हैं काफी इंक्वायरीज हो रही हैं, अभी भी हम देख सकते हैं कुछ लोग बैठे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं विलास की जो हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड विलास जो एकदम कोर प्रोजेक्ट जिस तरह से आप ला रहे हैं Why should anyone choose World Villas? ये details super बताए? investment है, great uh, appreciation यहाँ पे मिलेगा इस चीज का because बहुत ही किफायती दामों में है. It is really cracking the market of Lona Valla. आज Lona Valla यहाँ से एक घंटा extra लगता है लोगों जाने को. आज convenience है. Uh, in all aspects, people are just telling के there is nothing where we can tell no about it. The pricing, the product, the definition—it has an one kilometer of river bank, pure uh, which has water throughout the year, 365 days, 24 hours. I really mean by it. So there is an waterfall in the month of April, also continuously happening uh, over here. The streams are good, the dams are nice. We are coming up with extraordinary features like uh, uh, open air cinema of 200 seater, what you find in JBR marina. Uh, we are coming up with beach pools which would really give up and great splash for the families. We are coming up with bubblers park, the tree garden. bada, we have around around more than five to eight acres. ऑफ 400 जून पुराने 25 से 30 साल पुराने आम के और काजू के झाड़ है जिसको हमने टच नहीं किया है हां आर्किटेक्ट ने और हमने डिसाइड किया कि हम यहां पे विलास नहीं बनाएंगे हम इसको कमर्शियल नहीं देखना चाहते हैं लोगों को इस 8 10 एकड़ के जंगल जंगल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पेड़ बहुत ज्यादा है बाकी जंगल नहीं है इसके अंदर वो वो एक तो तो फॉरेस्ट टाइम डाले तो यह हां हाँ, यह है उ कंक्रीट जंगल बनाना चालीस तो so uh, right, प्रतिशत जमीन के ऊपर घर बनाए और साठ प्रतिशत जमीन आसमान को खुल्ली छोड़ी है बहुत बहुत इंटरेस्टिंग जैसे आपने अभी कहा का जो फील्ड था जो मैं भी आपके प्लांट देख रहा था वो फील्ड एक uh, प्लान हो रहा है है कि शायद और उससे अच्छा लगने वाला ियल नॉट ऑन सब्सटेंसर फोकस इज ऑन जस्ट टू थिंग एक्सपीरियंस वी टू ब्रिंग दैट पीपल एंड सोसाइटी वो एक ही वर्ग के लोगों को यहाँ पे जो एक ही समाज में अलग अलग तरीके की बिरादरियाँ होती है उसी ढंग से अलग अलग इनकम ग्रुप के लोग होते हैं और हर एक चाहता है कि मैं अपने अपने इनकम ग्रुप में रहू तो ये उन सभी स्टाइल के लोगों को जिन जिन का मैंने विश्लेषण अभी थोड़ी देर पहले किया उनके नाम के साथ इस टाइप के लोगों को एकत्रित लाने का जो काम कर रहे हैं हम चाहते हैं कि ये बेस्ट एक्सपीरियंस हो लोगों को यहाँ पे रहने के बाद और जब ये लोगों को यहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखे तो उसे पर्सनली खुद पे गर्व हो कि हाँ मैं मैंने सही समाज में सही लोकेशन सही चीज के अंदर रह रहा हूं जहां मुझे मेरे जैसे लोग दिख रहे हैं मेरे जैसे सोच वाले मेरे जैसी दुनिया वाले तो दैट इज वॉट ऑल वर्ल्ड इज अबाउट अब जो हर चीज का जो ध्यान दिया जा रहा है जैसे एक आप तो रहा है, आपने कहा रिवर फ्रंट भी आपको कुछ प्लान किया गया है एक्सपीरियंस के हिसाब से एवरीथिंग एवरीथिंग राइट फ्राम फिशिंग टू लाइफ बारबे क्यूब्स फैमिलीज कैन डो आई विल इज नॉट एन रिजोर्ट ये रिजॉर्ट uh, स्टाइल भले ही है बट ये रेजिडेंस है

अंदर डिटेल्स में बताइए कि क्या होगा और क्या एक्सपेक्ट किया विलास में दिल्ली स्टाइल है तो यू हैव कोठी जैसी हाइट्स है चौदह चौदह फ्लोर चौदह फुट ग्राउंड फ्लोर चौदह फुट सेकेंड फ्लोर आ, कोई स्टिल्ट लगा के हमने उसको बिल्डिंग का रूप नहीं दिया है हमने उसको रियली एक कोठी जैसा रखा है और आ, डबल हाइट है हर एक में सर्वेंट क्वार्टर विद अटैच टॉयलेट बाहर से है हर एक में एलिवेटर का प्रोविजन है तो आपके पास ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर में बड़े बड़े रूम्स यानी एक एक सूट अगर देखे तो कुछ कुछ विलास में तो 600-600 स्क्वायर फीट कारपेट का है तो दैट इज माई वे टेलिंग के अब तक लोगों ने माचिस की डिबिया जैसे कहते हैं बंबई को उसमें रहने का प्रयास किया कुछ प्रीमियम हाउसिंग में जरूर इस टाइप का लेकिन फिर भी इतना विशाल इतना बड़ा हर जगह नहीं है एंड दिस टाइम दिस प्रोडक्ट

व्यापारी वर्ग जरूर छह दिन काम करता होगा सात दिन काम करता होगा बट ये सारे लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं ये पांच दिन करते हैं इनके लिए दो दिन ऑलमोस्ट पच्चीस प्रतिशत उनके जिंदगी का समय जो आज वो अब तक फ्लैटों में रह के एक ड्यूटी जैसा फैमिली के लिए करते थे उनके लिए आज एक बहुत बड़ा कारण बनता है यहाँ पर आने का एंड क्लब क्लब टेंट जिम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अठारह हजार फार्म हाउसेस है करजत में और जेडी जी यहाँ पर शनिवार रविवार को आप देखो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पचास पचास गाड़ियाँ यहाँ फार्म हाउसेस वाली आके रुकती है कि आज तक फार्म हाउसेस हमारे लिए एक अजीब चीज धीरे धीरे बन रहा था क्योंकि आ, फैसिलिटीज नहीं थी अब स्केल नहीं था तो आ, लेने के बाद में आ, काफी बार बच्चे या वो बोलते थे रोज़ रोज़ नहीं चलते आपके हाँ। उसी केयर टेकर का रोटी दाल बक्शा कम को नहीं खाना है पापा मेरे को आज बेस्टियन जाना है पापा हाउसेस दिस इज द्लबाना इज गोइंग टू बी द लाइफ वेर वी कैन रियली ब्रिंग अप अवर किड्स अवर फैमिली अवर फ्रेंड्स टू अवर फार्म हाउसेस एंड इट इज गोइंग टू uh change the whole world around here for at least 25 to 50, 50 kilometers and uh, we are proud that we'll be bringing up an auditorium and uh, uh, the corporate wise programs can really have their training sessions which today they have to fly to Goa or Bangkok or somewhere else uh, at a very reasonable cost

किस तरह से कर रहे हैं आ, आ, मोटा मोटी में एक ही तरीके के हैं तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है खाली डिजाइन चेंजेस के कारण कह सकते हैं कि अपने पास तीन टाइप के तो हम एक्स्ट्रा लार्ज लार्ज और सुपर लार्ज कहते हैं बट अमूमन टोटल में कोई पंद्रह बीस परसेंट का ही फर्क है हमने आ, अलग अलग जॉर्नर को मिक्स नहीं किया है कि वहां पे आपके पास आ, हजार फुट का भी है और पांच हजार फुट का भी है तो दो अलग अलग, अलग इनकम ग्रुप के वर्ग के लोग एक साथ रह नहीं सकते वन स्टाइल ऑफ़ पीपल, वन कैटेगरी ऑफ पीपल एक समाज के लोग बिल्कुल फाइनली आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे अगेन दे आर बिलीविंग इन दस

अरियंत अरम वासन अनदर डिफरेंट वर्ल्ड अरियंत अदिता अरियंत आयाति तो वी नो टू डू प्रीमियम हाउसिंग वी नो हाउ टू रियली मेक ए प्रीमियम हाउसिंग सो इट इज नॉट ओनली द लोकेशन द प्राइस विच मेक्स ए प्रीमियम हाउसिंग प्रीमियम इट इज दी वे ऑफ लाइफ विच अ पर्सन वुड बी एबल टू लिव इज कॉल्ड एज प्रीमियम हाउसिंग बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया छाजर आपका वक्त का और इस जबरदस्त प्रोजेक्ट के लिए ये थे अशोक छजर साहब सुपर सुपरस्ट्रक्चर लिमिटेड के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर और जिस तरह से है, दो डिग्री से ज्यादा हमने देखा है आरियन में बिग बिग चेंज इन द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल एक से एक प्रोजेक्ट करीब दस हजार घर तो दे चुके हैं चाहे में रिडेवलपमेंट का एक यूनिक प्रोजेक्ट एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट आ रहा है बाकी जगहों पे इंडिया में नवी में प्रोजेक्ट्स थे और अब यहाँ कर्जा चौक पे इस तरह का प्रोजेक्ट और कर्जा जैसे कि आपने कहा कि बहुत फार्म हाउसेज हैं बहुत लोग आते थे बट इस तरह का प्रोजेक्ट ना किसी ने सोचा ना किया बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको चाजा साहब और बिजनेस के सितारे में तो कई हम करते हैं बट ये एक लैंडमार्क मेरे ख्याल से रहेगा क्योंकि जगह ऐसी है प्रोजेक्ट ऐसा है बहुत बहुत शुक्रिया अगली बात नए प्रोजेक्ट के साथ नमस्कार